हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एमएलटी एजुकेशन पॉइंट। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ल्यूकोपोइसिस के बारे में, ठीक है। तो ल्यूकोपोइसिस में हमारा जो एक और सीरीज थी वो बाकी रह गई थी। तो ल्यूकोपोइसिस का मतलब क्या होता है ये तो आपको पता ही है कि ल्यूको मतलब होता है WBC या फिर ल्यूकोसाइट, और पोइसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। एक बार और बता देती हूँ कि ल्यूको मतलब होता है WBC यानी कि ल्यूकोसाइट, और पोइसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। WBC के फॉर्मेशन की एक ऐसी प्रोसेस जिसे हम ल्यूकोपोइसिस कहते हैं, जिसे हिमेटोपोइसिस, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम हिमेटोपोइसिस कहते हैं। RBC के फॉर्मेशन की प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। उसी प्रकार WBC के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम ल्यूकोपोइसिस का कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था माइलोइड सीरीज के बारे में, ठीक है। यानी कि WBC का फॉर्मेशन कहां से होता है, बोन मेरो से। कहां से होता है, बोन मेरो से। देखो मैंने जब हिमेटोपोइसिस पढ़ाया था तब आपको बताया था कि जब हम छोटे होते हैं फीटस में, तब सेल्स का, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन जो होता है वो योक सैक में होता है। थोड़े से और बड़े होते हैं तो फिर उसका फॉर्मेशन लीवर में होता है, और बड़े हो जाते हैं तो फिर उसकी जिम्मेदारी वो आ जाती है किसके पास में, बोन मेरो के पास। फिर सभी जो हमारी ब्लड सेल्स है उसका फॉर्मेशन रेड बोन मेरो के अंदर होता है। बोन मेरो के अंदर सेल प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, याद रखना इसको, एग्जाम में पूछी जाती है इसमें से क्वेश्चन। तो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स ये फर्दर डिवाइड होती है कमिटेड स्टेम सेल। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स फर्दर डिवाइड होती है कमिटेड स्टेम सेल्स में, और कमिटेड स्टेम सेल्स क्या करती है, एक पथवे बनाती है, एक रास्ता बनाती है, ठीक है। जब भी कोई सेल का फॉर्मेशन होता है तो कमिटेड स्टेम सेल्स जो होती है फर्दर डिफरेंशिएट होती है, और एक पर्टिकुलर सेल जो होती है वो बन जाती है, और वो मैच्योर सेल कहलाती है। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स कमिटेड सेल में डिवाइड होती है, यह है लिम्फोइड स्टेम सेल्स और एक होती है माइलोइड स्टेम सेल्स। लिम्फोइड स्टेम सेल्स, देखो आगे चल के ये लिम्फोसाइट एक सेल में मैच्योर हो जाती है, एक पर्टिकुलर सेल में जाकर ये डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे प्रीवियस क्लास में हमने माइलोइड सीरीज के बारे में पढ़ा, माइलोइड सीरीज के अंदर एरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन होता है, वो फर्दर डिवाइड होती है और फिर एरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन होता है। फिर ये जो कमिटेड सेल है फिर आगे फर्दर डिवाइड होती है, कुछ और जो सेल प्रोजिनेटर सेल होती है वो डिवाइड होती है और ग्रेन्युलोसाइट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक और सीरीज चलती है जिससे मोनोसाइट का फॉर्मेशन होता है, और एक और होता है थ्रोम्बोसाइट का फॉर्मेशन। तो ये सारे फॉर्मेशन, RBC का फॉर्मेशन, प्लेटलेट का फॉर्मेशन, ग्रेन्युलोसाइट का फॉर्मेशन, मोनोसाइट का फॉर्मेशन, ये आता है माइलोइड सीरीज के अंदर। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि माइलोइड सीरीज से कौन कौन से सेल का फॉर्मेशन होता है। और दूसरी जो है वो है लिम्फोइड सीरीज, लिम्फोइड स्टेम सेल्स, जिससे लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है। लिम्फोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट और मोनोसाइट, ये आते हैं किसके अंदर, WBC के अंदर। किसके अंदर आते हैं ये, WBC के अंदर, WBC यानी कि ल्यूकोसाइट के अंदर। WBC के फॉर्मेशन में हम ग्रेन्युलोसाइट और मोनोसाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन से स्टेप होती है, ये सब हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लिम्फोइड सीरीज के बारे में, जिससे लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे ये मैच्योर होती है, इसकी सीरीज को अलग क्यों बनाया गया है, ये सब हम देखते हैं। तो चलते हैं। लिम्फोसाइट हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ मैच्योरेशन एंड द प्रिकर्सर ऑफ द लिम्फोसाइट आर प्रेजेंट इन द रेड बोन मेरो। क्या कह रहा है कि लिम्फोसाइट की जो प्रोसेस है फॉर्मेशन की, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स मेथड है, क्योंकि उसका फॉर्मेशन तो बोन मेरो से होता है, लेकिन उसका मैच्योरेशन जो होता है वो कहीं और लिम्फोइड टिश्यू में जाकर होता है। इस वजह से इसकी
मैच्योरेशन की कॉम्प्लेक्स जो है, मैच्योरेशन की प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन और क्या है इसमें कि प्रिकर्सर ऑफ द लिम्फोसाइट, लेकिन इसके प्रिकर्सर जो होते हैं जैसे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, कमिटेड स्टेम सेल्स, ये सब बोन मेरो से ही, बोन मेरो के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ऐसे नहीं है कि प्रिकर्सर जो है वो लिम्फोइड टिश्यू से बन रहे हैं उनके, क्योंकि वो मैच्योर वहां जाके हो रही है कुछ सेल, तो नहीं, प्रिकर्सर तो उनके बोन मेरो से ही बनेंगे, लेकिन वो मैच्योर जो होगी, इमैच्योर सेल भी बनेगी, इमैच्योर के बाद में मैच्योर सेल बनेगी, तो वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गन में जाकर मैच्योर होगी, कुछ लिम्फोसाइट, सभी नहीं। लिम्फोसाइट आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्टेम सेल इन बोन, इन द बोन मेरो एंड देन सर्कुलेट इन टू द लिम्फोइड टिश्यू। तो लिम्फोसाइट आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्टेम सेल, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से फॉर्म होती है इन द बोन मेरो एंड देन सर्कुलेट इन टू द लिम्फोइड टिश्यू। देखिए यहाँ पर कि ये जो लिम्फोइड सीरीज है, लिम्फोइड सीरीज में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये फर्दर डिफरेंशिएट होती है आगे लिम्फोब्लास्ट में, लिम्फोब्लास्ट से फिर वो आगे डिफरेंशिएट होती है प्रो लिम्फोसाइट में। तो प्रो लिम्फोसाइट क्या है, एक इमेच्योर सेल है। अब यहाँ से क्या होता है कि ये डिफरेंशिएट हो जाती है, इनके दो अलग अलग रास्ते बन जाते हैं, एक होता है टी लिम्फोसाइट और एक होता है बी लिम्फोसाइट। इसको टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट नाम क्यों दिया गया, अभी देखते हैं। इसलिए दिया गया क्योंकि लिम्फोसाइट जो होती है, प्रो लिम्फोसाइट जो होती है, वो कुछ लिम्फोसाइट जो होती है वो थाइमस में जाकर मैच्योर होती है। कहाँ पर होती है, थाइमस में जाकर मैच्योर होती है, इसीलिए इसका नाम टी लिम्फोसाइट रखा गया। और कुछ लिम्फोसाइट जो है वो बोन मेरो के अंदर ही मैच्योर होती है, बोन मेरो के अंदर ही मैच्योर होती है, इसीलिए इसको बी लिम्फोसाइट नाम दिया गया। तो ये आपको क्लियर हो गया कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट इसको नाम क्यों रखा गया। अब हम इसके स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि जब मैच्योर लिम्फोसाइट बनती है तो जो इमैच्योर सेल होती है वो कैसी होती है, फिर मैच्योर कैसी दिखती है। तो ये सारी स्टेप हम पढ़ेंगे, लिम्फोब्लास्ट, प्रो लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, फिर ये लिम्फोसाइट जो होती है वो डिवाइड होगी स्मॉल एंड लार्ज लिम्फोसाइट में, स्मॉल और लार्ज लिम्फोसाइट। अभी तो हमने देखा था कि लिम्फोसाइट जो है वो टी सेल और बी सेल में डिवाइड हो रही है, ये स्मॉल और लार्ज क्या है। देखो अगर हम देखें कि लिम्फोसाइट को साइज के बेस पर डिवाइड किया गया तो वो दो टाइप में डिवाइड, साइज के बेस्ड ऑन द साइज लिम्फोसाइट डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, स्मॉल लिम्फोसाइट एंड लार्ज लिम्फोसाइट, एंड बेस्ड ऑन द फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के आधार पर देखें हम तो लिम्फोसाइट को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक तो टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। समझ में आ गया स्मॉल और लार्ज और फंक्शन में डिफरेंशियल। अब आती है हमारी स्टेज की बात, तो इसकी फर्स्ट स्टेज होती है लिम्फोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट से आपको माइलोब्लास्ट भी याद आ रहा होगा, लेकिन माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट दोनों अलग अलग है, ठीक है। माइलोब्लास्ट की जो साइज होती है लिम्फोब्लास्ट की साइज से बड़ी होती है, लार्ज होती है मतलब। तो यहाँ पर लिम्फोसाइट की साइज कितनी है, 60-80 माइक्रोन, जबकि माइलोब्लास्ट की साइज जो होती है, माइलोब्लास्ट की साइज क्या होती है, लार्ज होती है, वो होती है 80-20 माइक्रोन। एक और डिफरेंट मैं आपको इसमें बताऊंगी आगे कि न्यूक्लियस जो होता है इसमें ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द सेल राउंड और ओवल। अब लिम्फोब्लास्ट की साइज छोटी है जबकि माइलोब्लास्ट की साइज बड़ी है। अब देखना एक और इंटरेस्टिंग बात कि जो लिम्फोब्लास्ट का न्यूक्लियस है वो बड़ा है, इसकी साइज छोटी थी लेकिन इसका न्यूक्लियस बड़ा है। देखते हैं यहाँ पर डायग्राम में, ये न्यूक्लियस जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये बड़ा है, जबकि माइलोब्लास्ट का न्यूक्लियस जो होता है वो छोटा होता है देन लिम्फोब्लास्ट से। तो ये दो डिफरेंट आपको पता चल गए कि साइज किसकी बड़ी होती है, माइलोब्लास्ट की, न्यूक्लियस किसका बड़ा होता है, लिम्फोब्लास्ट। क्लियर है। क्रोमेटिन जो होता है इसके अंदर डार्क और डार्क पर्पल होता है एंड एग्रीगेटेड एग्रीगेट्स अलोंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियाई जो होती है इसके अंदर एक से दो इंटरेस्टिंग लाइट ब्लू कलर की हमें दिखाई देती है, हल्की हल्की दिखाई देती है मतलब। साइटोप्लाज्म इसके अंदर डीप ब्लू विथ नो ग्रेन्यूल्स, इसके अंदर कोई ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन्यूलोसाइट हमने पढ़ी लिया, WBC का वो टाइप जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और
बेसोफिल शो पैलर पेरिन्यूक्लियर एरिया, ठीक है, पैलर कलर का ये जो पेरिन्यूक्लियर एरिया आपको दिखाई दे रहा है साइटोप्लाज्म का, ये होता है, ये हो गया लिम्फोब्लास्ट की। लिम्फोब्लास्ट इमेच्योर सेल है, ठीक है, जो कि हमें इस तरीके का दिखाई देता है, आपने देख ही लिया है डायग्राम में। प्रोलिम्फोसाइट, प्रोलिम्फोसाइट की साइज जो होती है वो 2 माइक्रोन कम हो जाती है देन लिम्फोब्लास्ट से। उसमें हमने देखा था कि 18 थी, इसमें 16 है। न्यूक्लियस अपने को यहाँ पर दिखाई देता है वो अवॉइड ऑकेशनली आइडेंटेड बॉर्डर, यहाँ पर देख लेते हैं न्यूक्लियस कैसा दिखता है, ये इस तरीके का न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है। न्यूक्लियोलस इसमें एक दिखाई देता है, नहीं भी दिखाई देता है, ब्लूइश कलर का दिखाई देता है वो, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। मतलब साइटोप्लाज्म मोर देन द लिम्फोब्लास्ट, इसमें आपको दिख रहा होगा कि न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सा एग्रीगेट हो गया है, साइटोप्लाज्म थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। विथ लाइट और डार्क ब्लू कलर, लाइट डार्क ब्लू कलर आपको यहाँ पर दिखाई दे ही रहा है, तो इतना कोई इसमें ज्यादा समझने जैसी चीज नहीं है, बहुत इजी है। लिम्फोब्लास्ट हम देखते हैं तो लिम्फोसाइट, ठीक है, तो लिम्फोसाइट में हम देखते हैं प्रो लिम्फोसाइट मैच्योर इंटू 2 लिम्फोसाइट, स्मॉल लिम्फोसाइट एंड लार्ज लिम्फोसाइट। प्रो लिम्फोसाइट यहाँ पर मैच्योर होती है 2 लिम्फोसाइट में, कौन कौन सी, स्मॉल एंड लार्ज लिम्फोसाइट। अभी हमने देखा कि इसको डिफ्रेंशिएट किया गया 2 टाइप में बेस्ड ऑन साइज, कौन कौन सी, स्मॉल एंड लार्ज। तो जो स्मॉल लिम्फोसाइट होती है इसकी साइज होती है 8 to 10 माइक्रोन, ठीक है, जबकि लार्ज की कितनी होती है 12 to 16 माइक्रोन, क्लियर है। तो ये साइज के बेस पर हो गया, फंक्शन के आधार पर अभी हम आगे देखेंगे। सम लिम्फोसाइट इंटर टू थाइमस कॉल्ड टी लिम्फोसाइट, अभी मैंने बताया कि प्रो लिम्फोसाइट के बाद में जो लिम्फोसाइट है, प्रो लिम्फोसाइट के बाद में वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है, कुछ लिम्फोसाइट जो होती है वो थाइमस में चली जाती है मेच्योर होने के लिए, अभी तक वो क्या थी, इमेच्योर थी। अब यहाँ पर जो सेल बनेगी वो क्या बनेगी, मेच्योर, मेच्योर टी लिम्फोसाइट, तो वो फर्दर डिफरेंशिएट होगी और क्या बनेगी, मैच्योर टी लिम्फोसाइट बनेगी। तो वो थाइमस में बन रही है इसीलिए इसका टी लिम्फोसाइट नाम रखा गया, और कुछ लिम्फोसाइट जो होती है वो प्रोसेस्ड होती है उसकी बोन मेरो के अंदर ही होती है, कुछ लिम्फोसाइट बोन मेरो में ही मैच्योर होती है इसलिए उनका नाम बी लिम्फोसाइट रखा गया। एक बार हम डायग्राम में देख लेते हैं, हमारी तीनों स्टेप यहाँ पर दी गई है। लिम्फोब्लास्ट आपको दिख रही है कि जो साइज जो है सेल की काफी बड़ी है, फिर उससे थोड़ी और छोटी हो जाती है सेल की साइज, फिर और छोटी हो जाती है, और यहाँ पर न्यूक्लियस जो है आपको दिख रहा होगा कि पूरा इस तरीके से घेरा हुआ है। तो लिम्फोसाइट कैसी दिखती है, स्पेरिकल दिखती है, पूरा तरीके से साइटोप्लाज्म को घेरी हुई रखती है, जब भी हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ इस तरीके की सेल हमें देखने को मिलती है, क्लियर है। अब देखते हैं, देखो अभी हमने क्या देखा कि साइज के आधार पर तो हमने देख लिया, फंक्शन के आधार पर लिम्फोसाइट को डिवाइड किया गया 2 टाइप में, कौन कौन से टाइप में डिवाइड किया गया है, अभी मैंने आपको बताया, एक तो टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट, कौन कौन से, एक तो टी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। इसको बी लिम्फोसाइट क्यों कहा गया, बी लिम्फोसाइट इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसका जो मैच्योरेशन हो रहा है, इसका फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन दोनों ही कहाँ पे हो रहा है, बोन मेरो के अंदर हो रहा है, जबकि इसका फॉर्मेशन तो बोन मेरो में हो रहा है लेकिन इसका मैच्योरेशन होता है वो होता है थाइमस के अंदर, इतना समझ में आया। अब ये जो बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है हम वो देखते हैं कि ये बी लिम्फोसाइट फर्दर डिफरेंशिएट होती है, ठीक है, ये जो बी सेल है फर्दर डिफरेंशिएट होती है किसमें, प्लाज्मा सेल, किसमें होती है, प्लाज्मा सेल। बहुत इंटरेस्टिंग काम है भाई इसका और बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना कि ये जो प्लाज्मा सेल है, प्लाज्मा सेल क्या करती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, क्या करती है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है, किसके अगेंस्ट करती है, तो एंटीजन के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन इंटर होगा, कोई भी बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो गया हमारी बॉडी के अंदर इंटर होगा,
तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, वाई शेप का। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी होती है, ये मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है जब भी कोई एंटीजन आता है हमारे अंदर, तो फिर वो एंटीबॉडी उस एंटीजन से जाकर बाइंड हो जाती है और उसको किल कर देती है, मतलब कि उसको मार देती है। तो ये काम होता है किसका? बी लिम्फोसाइट का। जबकि टी लिम्फोसाइट का काम कुछ अलग होता है। क्या होता है कि ये क्या काम करता है? रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। क्या करता है? रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज मतलब कि पहचान। ये हमारे ब्लड में ढूंढता रहता है कि कहीं कोई ऐसी सेल तो नहीं प्रेजेंट है, कोई ऐसा एंटीजन तो नहीं आया है बाहर से जो हमारी सेल्स को खत्म कर दे, हमारी खुद की सेल को खत्म कर दे। तो ये ढूंढता रहता है, ठीक है, रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। रिकॉग्नाइज करने के बाद में ये किसी भी, जैसे इसने ढूंढ लिया कि हाँ ये एंटीजन है जो कि बाहर से आया है, तो ये उसको डायरेक्टली किल नहीं कर देगा, डायरेक्टली बाइंड नहीं करेगा जैसे एंटीबॉडी कर रही थी। जैसे एंटीबॉडी डायरेक्टली एंटीजन से बाइंड हो जाती थी बी सेल के अंदर, ठीक है, तो इस तरीके से टी सेल में नहीं होता है। यहाँ पर टी सेल क्या करती है? उसको ढूंढती है, ढूंढती है। जब भी कोई हमारे घर में चोर घुस जाता है तो हम क्या करते हैं? उसको उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, पहले घर वाले को, आसपास वाले को जगाएंगे, मम्मी को उठाएंगे, पापा को उठाएंगे कि भाई चोर घुस गया है। तो ये भी ऐसा ही करता है। ये क्या करता है? टी सेल उसको देखता है, पहचान लेता है, पहचानने के बाद में ये आसपास के लोगों को उठाता है। आसपास के लोग कौन है यहाँ पर? एक तो है बी सेल, यही वाली बी सेल, हाँ यही वाली बी सेल, यही वाली बी सेल को ये स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट करेगा तो ये क्या करेगा? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा, और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा तो क्या करेगा? ये जो एंटीजन इसने रिकॉग्नाइज किया है, इसने जो ढूंढा है, उसको जाके मार देगा। तो ये बेचारा ये ढूंढ तो लेगा पर ये मार नहीं पाता, ठीक है, इसको डर लगता है अकेले मारने में, इसलिए ये जो मोस्ट पावरफुल जो है उसको बुला के लेता है, और वो पावरफुल कौन है? एंटीबॉडी। तो ये बी सेल जो है वो क्या करेगा? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, और ये एंटीबॉडी फिर एंटीजन से जाकर बाइंड करके और उसको किल कर दे। एक तो ये उसने बी सेल को स्टिमुलेट कर दिया, दूसरा ये स्टिमुलेट करेगा साइटोटॉक्सिक सेल को, साइटोटॉक्सिक सेल को। साइटोटॉक्सिक सेल्स भी क्या करेगी? जाकर उसको किल कर देगी जो भी ये एंटीजन इसने बताया है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका होता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है कि बी लिम्फोसाइट जो होती है वो कौन सी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है? तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है। कौन सी प्रोड्यूस करती है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू मेन एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। और टी लिम्फोसाइट कौन सी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है? मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सेल मीडिएट इम्यूनिटी। वैसे तो मैंने जब इम्यूनिटी पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी। सेल मीडिएट इम्यूनिटी कौन प्रोड्यूस करता है? टी लिम्फोसाइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। तो मतलब जब भी कोई इन्फेक्शन होगा तो लिम्फोसाइट का काउंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, लिम्फोसाइट का काउंट इंक्रीज हो जाता है जब भी कोई इन्फेक्शन होगा, क्योंकि इन्फेक्शन होगा तभी तो ये क्या करेगी? एंटीबॉडी को बनाने के, मतलब एंटीबॉडी के लिए बोलेगी कि भाई आप एंटीबॉडी बनाओ, कोई फॉरेन पार्टिकल आया है। तो लिम्फोसाइट का काउंट इंक्रीज हो जाता है जब भी कोई इन्फेक्शन होता है। तो हमने देखा कि लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कितने टाइप्स की होती है, इनका काम क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया कि फंक्शन के आधार पर इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया, साइज के आधार पर भी इसको दो टाइप में। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नई क्लास में नए लेक्चर के साथ, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।